देखो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। ध्यान आगे प्लीज, फोकस आगे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये पार्ट मिस हुआ तो गारंटेड एक महीना खराब ही समझो, क्योंकि कूलम लॉ ने तो यूज होना ही होना है हर जगह। और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स या इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज बहुत ध्यान से समझना है। कूलम लॉ बिल्कुल ग्रेविटेशनल लॉ की तरह चलता है। कूलम एक साइंटिस्ट जिसने ये बताया कि अगर दो चार्जेस हैं, चाहे वो सिमिलरली चार्ज हैं चाहे वो ऑपोजिटली चार्ज हैं, आपस में सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपल्शन हो जाएगा और अगर ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। वो कहते हैं कुछ भी हो चाहे, कूलम का फॉर्मूला उन दो चार्जेस के बीच में वैल्यू ऑफ फोर्स निकाल देगा कि दो चार्जेस आपस में कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं या कितनी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं। ये कूलम लॉ निकाल के देगा। कूलम लॉ की एक प्रॉब्लम है, कई बार एनसीईआरटी में पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कूलम लॉ, तो आपने एक नंबर में लिखना है कूलम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। लिख लेना नोट, यहां लिख लो कूलम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। करण गौर आया बाहर, अच्छा ओके अक्षय क्लियर है। ओके तो कूलम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम फोर्स की वैल्यू निकालें चार्ज्ड पार्टिकल्स में या चार्ज्ड बॉडीज में, कैसे? किसी ने कहा सर ठीक है मैं एक चार्ज डिस्क ले आता हूं, कोई कहता है मैं चार्ज रिंग ले आता हूं, क्या कूलम लॉ से आप फोर्स निकाल देंगे? मैं ही निकाल सकता, कूलम लॉ ही निकालेगा। तो कूलम लॉ ये नहीं है कि दो बॉडीज, बड़ी बड़ी बॉडीज या कोई भी आर्बिटरी बॉडीज के बीच में फोर्स निकालेगा, नहीं निकालेगा, पॉइंट के बीच में निकालेगा। कि आप ये जरूर बोल दो कि आपके पास एक पॉइंट है जिसके ऊपर Q1 चार्ज है, एक और पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज है Q2, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ R। तो कूलम लॉ ये बोलता है इरिस्पेक्टिव कि कौन सा चार्ज है उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, दैट इज Q1 इनटू Q2। पॉइंट नंबर 1, ग्रेविटेशन की तरह m1 m2, इसमें q1 q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। तो दो चीजों पे ये डिपेंड करेगी, ठीक, ये लॉ है, ऐसी करना है। इन्हें अगर हम कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये भी क्लियर है यहां तक। और साथ में प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या लगेगा, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। ग्रेविटेशन में और कूलम में एक बड़ा मेजर डिफरेंस है, वो ये कि ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट लगता था वो बड़ा जी लगता था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या पूरा नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप चांद पे जाओ, आप जुपिटर पे जाओ, आप अर्थ पे जाओ, कैपिटल जी नहीं चेंज होएगा। इसमें प्रॉब्लम है, आप अलग अलग मीडियम में जा रहे हो, आप चार्जेस को एयर में रख रहे हो, आप चार्जेस को ग्लास में रख रहे हो, आप ऑयल में रख रहे हो, आप वाटर में रख रहे हो, चाहे चार्जेस की वैल्यू चेंज ही कर रहे लेकिन फोर्स की वैल्यू मीडियम के साथ क्या हो जाएगी, चेंज। इसीलिए बोला जाता है ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, किसी मीडियम पे डिपेंड करेगी कि किस मीडियम में आपने चार्ज को रखा हुआ है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? कैसे? मीडियम कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि वॉटर, एयर, ऑयल, ग्लास एटसेट्रा। जैसे मैं लिखा हुआ है वैक्यूम, वैसे नॉर्मली वैक्यूम और एयर दो अलग अलग चीजें होती है मीडियम में, पर इस चैप्टर में वैक्यूम और एयर हम एक ही बात मान के चलते हैं। तो मीडियम या तो वैक्यूम है या एयर है या वाटर है या ऑयल है या कोई भी एन नंबर ऑफ कुछ भी मीडियम है, एक एक करके करते हैं। अगर मान लो मीडियम वैक्यूम है और सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है, SI है, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपने याद रखनी है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब होता है मीडियम क्या चल रहा है, वैक्यूम। तो ये फॉर्मूला है कांस्टेंट का 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा,
डेल्टा म्यू एप्सिलॉन सिंबल का नाम है, क्लियर है यहां तक? तो एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, 1/4 pi epsilon naught q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। कांस्टेंट कूलम ने खुद निकाला, हमने इसको याद ही किया हुआ है। मान लो एक मिनट के लिए मीडियम में चेंज कर देता हूं और मीडियम क्या कर देता हूं, वाटर, तो कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 pi epsilon water, तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4 pi epsilon water इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। अगर मीडियम ऑयल है तो 1/4 pi epsilon oil q1 q2 बाय r स्क्वायर। अगर मीडियम कोई भी मीडियम है तो 1/4 pi epsilon medium q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसका मतलब हर डिफरेंट मीडियम में फोर्स की डिफरेंट वैल्यू आएगी। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट में इसके अंदर मुझे q1 q2 और r गिवन होगा, क्या चीज चेंज हो रही है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन वाटर, एप्सिलॉन ऑयल, एप्सिलॉन मीडियम। तो इन सभी की वैल्यूज या तो मुझे न्यूमेरिकल में दी जाएं या मैं इन्हें क्या कर लूं, याद कर लूं ताकि मैं फोर्स की वैल्यू को निकाल सकूं। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो इसकी वैल्यू होती क्या है, सारे मीडियम तो मैं याद भी नहीं कर सकता क्योंकि n नंबर ऑफ मीडियम्स हैं, मैं किस किस का कांस्टेंट याद करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इस केस में सिर्फ एक ही वैल्यू याद करूंगा फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट याद रखना है 8.85 × 10⁻¹². तो आज के बाद अगर कोई न्यूमेरिकल आए और आपको q1 q2 और r गिवन हो तो आप क्या करोगे, 1/ चिराग, मेरा चिराग है, फोन आया, प्रेजेंट है, नहीं नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, फोन कर बता दो, 1/4 pi 8.8 × 10⁻¹², कितना, -12 इंटू चार्ज और आर मुझे मालूम होगा, मैं वैल्यू पुट करूंगा, मेरा आंसर आएगा। ये स्टेप क्लियर है हाउ टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, पीछे क्लियर है यहां तक? तो फोर्स की वैल्यू आएगी यहां तक, एकदम क्लियर है ठीक। सो नेक्स्ट, अगर मान लो मीडियम चेंज हो गया तो उस केस में एप्सिलॉन नॉट की जगह मुझे क्या देना चाहिए उसे, एप्सिलॉन वाटर, ये मैं याद नहीं कर सकता, पता नहीं कितने मीडियम है, तो या तो मुझे न्यूमेरिकल में ये वैल्यू चाहिए तो मैं फोर्स निकालूंगा, नहीं तो मैं आंसर निकाल नहीं पाऊंगा। तो इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन किस पे चलते हैं, वैक्यूम पे, इसकी वैल्यू मुझे याद है। क्या स्टेप क्लियर है? अब हर न्यूमेरिकल के अंदर, हर न्यूमेरिकल में q1 q2 r गिवन होगा, मैं बार बार कैलकुलेशन कैसे करूं, 1/4 pi 8.8 × 10⁻¹², बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो मैं कैलकुलेशन को याद करके रखूंगा कि आज की बात किसी न्यूमेरिकल में 1/4 pi 8.8 × 10⁻¹² की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो क्या आएगी, 9 × 10⁹। स्टैंडर्ड है तो हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, हम सीधे ही पुट कर देंगे 9 × 10⁹, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, क्लियर यहां तक? तो फॉर एग्जांपल ये याद करना पड़ेगा, जैसे अगर आपको दो चार्जेस गिवन है, उनमें से एक चार्ज 1 कूलम है, दूसरा 1 कूलम है और सेपरेटेड बाय 1 मीटर, और क्वेश्चन है आप इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो और मीडियम क्या है, वैक्यूम। तो वैक्यूम का फॉर्मूला लिखो 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, इसकी वैल्यू क्या याद की आपने, 9 × 10⁹, q1 q2 is 1 and 1, r की वैल्यू is 1, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल हो जाएगा कि वैक्यूम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से इसका नाम भी देख लें है क्या एक्चुअल में ये एप्सिलॉन होता क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी देखना पड़ेगा। जैसे प्लस वन के अंदर इस सिंबल का नाम क्या था, म्यू, लेकिन म्यू तो सिंबल का नाम था अल्फा बीटा गामा की तरह, होता ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सिग्निफिकेंस ये था किसी भी सरफेस का अगर म्यू बड़ा हो तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। उसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट को सिंबल का नाम है एप्सिलॉन नॉट, होता क्या है ये, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ
वैक्यूम, इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और मीडियम क्या है इसमें, वैक्यूम। कोई डाउट इसमें? सिमिलरली अगर एप्सिलॉन वाटर है तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर, उसी तरीके से एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। स्टेप क्लियर है यहां तक? तो ये इसका नाम है। सिग्निफिकेंस क्या है? अगर किसी भी मीडियम का परमिटिविटी हाई हुआ, एप्सिलॉन एम की वैल्यू बड़ी हुई, तो उसमें फोर्स की वैल्यू क्या आएगी चार्जेस में, छोटी। जिस मीडियम का एप्सिलॉन बड़ा उसमें फोर्स छोटी, ये सिग्निफिकेंस है। हायर द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, लेसर इज द वैल्यू फॉर फोर्स। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? सो अभी किसकी बात हो रही है? मीडियम क्या चल रहा है, वैक्यूम। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चल रहा है, SI। ठीक, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, वैक्यूम के अंदर, मीडियम वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट अगर क्या हो, SI की बजाय CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज्ड। CGS सिस्टम में इस फोर्स में इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, 1। SI में क्या पुट करते थे, 1/4 pi epsilon naught। CGS में क्या पुट करेंगे, 1। कोई डाउट इसमें? तो हमने इसको 1 पुट कर दिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 × Q1 Q2 / r² पर। याद रहे क्योंकि सिस्टम CGS है, चार्ज की वैल्यू कूलम में नहीं चलेगी, कूलम तो SI यूनिट होता है, CGS यूनिट चार्ज का क्या होता है, स्टैट कूलम। तो ये न्यूमेरिकल में कूलम की बजाय किसमें गिवन होगा, स्टैट कूलम, और R की वैल्यू मीटर में नहीं, मीटर की बजाय किसमें गिवन होगी, सेंटीमीटर में, राइट। तो मीटर और सेंटीमीटर की कन्वर्जन तो सबको आती है, कूलम और स्टैट कूलम का रिलेशन सुन लो, 1 coulomb = 3×10⁹ स्टैट कूलम, ये याद करना है। वैसे नॉर्मली स्टैट कूलम में न्यूमेरिकल आते नहीं है, एक आध न्यूमेरिकल आ जाए बात अलग है, ज्यादातर कूलम में ही आते हैं, पर अगर आ जाए तो एटलीस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? तो अभी तक हमने क्या किया, अगर हम कूलम लॉ को वापस से देखें, तो हमने ये किया कि ये फोर्स की वैल्यू कूलम ने हमें दी, कॉन्स्टेंट की वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, वैक्यूम के अंदर SI सिस्टम के अंदर 1/4 pi epsilon naught ये वैल्यू है, जिसकी वैल्यू 9×10⁹ है। इन मीडियम को मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं मालूम इनकी क्या वैल्यू है, नॉलेज के लिए जरूर बता दिया पर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं मालूम, न्यूमेरिकल में गिवन होगी मैं देख के पुट कर दूंगा, ऐसे में कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वैक्यूम कर सकता हूं। क्या स्टेप क्लियर है? और अगर यही चीज किसमें आए, CGS में, तो CGS में कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। कोई डाउट इसमें? अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं, वैक्यूम के अंदर इस फोर्स की वैल्यू वैक्यूम में SI सिस्टम में 1/4 pi epsilon naught Q1 × Q2 / r², अगर ये चार्ज किसी और मीडियम में पड़ा हो तो 1/4 pi epsilon m Q1 Q2 / r², को डाउट इसमें? तो फोर्स वैक्यूम में, फोर्स मीडियम में, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइड का मतलब वैक्यूम और मीडियम की फोर्स को डिवाइड किया, इस फॉर्मूले को इससे डिवाइड किया, ये सारी टर्म कैंसल हो गई, 4 pi 4 pi कैंसल हो गया, एप्सिलॉन एम ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, तो ये रेशियो आ गई। तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम की वैल्यू एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट हो गई। ये रेशियो समझ में आ रही है? इसकी रेशियो को एक नया नाम दिया, एप्सिलॉन आर। आर का मतलब है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन एम का मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि इसमें दो मीडियम की परमिटिविटी की रेशियो यूज कर रहे हैं। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? एप्सिलॉन आर।
लेकिन ये नाम बहुत बड़ा है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, बोलते बोलते भी लंबा है। इसका एक शॉर्ट नाम निकाला और इसका पूरा शॉर्ट नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और ये एप्सिलॉन आर सिंबल भी बड़ा कंफ्यूजिंग है, यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जगह एक और सिंबल यूज करेंगे हम, क्या के। तो एप्सिलॉन आर की जगह हम न्यूमेरिकल्स में क्या यूज करेंगे, के। एप्सिलॉन आर और के का मतलब एग्जैक्टली सेम है, सिंबल ही चेंज किया, थोड़ा इजी किया है। एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और दूसरा नाम क्या होगा इसका, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वन एंड दी सेम थिंग। क्या स्टेप क्लियर है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इसकी जगह मैं के यूज कर दूं आसान सिंबल, और के इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम। क्लियर है? के डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डिफाइन करना हो हम ऐसे कर सकते हैं, के इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है कि के इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, समझ में आया? तो के इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एफ एम, और ये हम कैपेसिटर के अंदर ही प्रूव करेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो एक नाम इंट्रोड्यूस हुआ है आज, इसकी बेसिक वर्किंग बहुत डिटेल में कैपेसिटर चैप्टर के अंदर आएगी। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होते हैं हम बाद में जरूर डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए इसको याद ही करना पड़ेगा कि K is equal to F naught by FM, that's it, की रेशो होती है। और मेटल के लिए K की वैल्यू, मेटल या कंडक्टर के लिए याद रखनी पड़ेगी, K की वैल्यू इज इनफाइनाइट, स्टैंडर्ड है, इनफाइनाइट होती है। ये क्यों होती है ये मैं कैपेसिटर के चैप्टर के अंदर ही प्रूव कर पाऊंगा, आज नहीं कर पाऊंगा, आप इसको याद ही करें प्लीज। क्लियर यहां तक? तो K का फॉर्मूला क्या किया हमने, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, ये क्लियर है। अब एक न्यूमेरिकल, और मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि कई लोग सोच रहे हैं क्या कंफ्यूजन क्रिएट करे जा रहे हैं, पहले फोर्स ये याद कर लो, फिर कॉन्स्टेंट की वैल्यू याद कर लो, चलो वहां तक तो ठीक था, फिर डिवाइड कर लो, फिर एप्सिलॉन आर निकाल लो, उसका नाम भी के लिख लो, फिर के की जगह ये करो, मतलब क्या बोलना क्या चाहते हैं, सिंपल ये बताओ। ये बोलना चाहते हैं, मान लो अगर आपको दो चार्जेस गिवन है, वन एंड थ्री, एंड आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर गिवन है, फाइंड फोर्स बिटवीन देम जब किस में पड़े हो चार्जेस, वैक्यूम में। तो आप इसमें ये फॉर्मूला लगाएं, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। आप इसमें इसकी जगह पुट करें 9 × 10^9, 1 × 3 by R का मतलब 2 का स्क्वायर, आपके पास इतने न्यूटन आंसर आएगा किस में, जब मीडियम क्या है, वैक्यूम। इस क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूशन में अगला पार्ट है क्या, कि मुझे इन्हीं चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल के दिखाएं, लेकिन इस बार चार्ज वैक्यूम में नहीं पड़ा हुआ, इस बार चार्ज किस में पड़ा हुआ है, वाटर में, और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10। तो मुझे यह डेफिनेशन पता है कि अगर वैक्यूम में फोर्स निकालनी है तो ऊपर वाले पार्ट से हमें निकालनी आती है, हमने निकाल ली, ऊपर वाले पार्ट से आ गया, हमें पता है के क्या होता है, एफ नॉट बाई एफ वॉटर, मीडियम की जगह क्या आएगा, वॉटर, एफ नॉट बाई एफ वॉटर। के कितना है इस क्वेश्चन में, 10। फोर्स वैक्यूम में हमें पता है 27/4 × 10^9 पुट कर दिया, और वॉटर में फोर्स मुझे निकालनी है तो डिवाइडेड बाय एफ वॉटर। तो फोर्स इन वैक्यूम का तो हमें तरीका पता है कैसे निकलेगा, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वॉटर का पता है 10 है, तो इसको किससे डिवाइड किया, एफ वॉटर से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एफ वाटर की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम किसी भी मीडियम में फोर्स निकाल सकते हैं, हमें उस मीडियम का क्या पता होना चाहिए, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई डाउट इसमें? तो बहुत अच्छा तरीका है। तो आज के बाद एप्सिलॉन वाटर नहीं गिवन होगा, आज के बाद डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा और वहां से आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? जिन जो लोग कॉम्पिटिशन में बैठेंगे और मान लो बैठने के बाद एक क्वेश्चन आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन का, आ जाता है मेंस में भी और नीट में भी, 90% चांस है जो भी क्वेश्चन बनता है उसमें एप्सिलॉन नॉट की एप्लीकेशन जरूर आती है। तो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट इज फोर्स का फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। एप्सिलॉन नॉट एक तरफ, फोर्स एक तरफ, 1/4 pi कॉन्स्टेंट है, चार्ज क्या होता है एम्पियर टाइम, चार्ज क्या होता है एम्पियर टाइम, आर क्या होता है लेंथ, फोर्स क्या होता है एमएलटी -2। सॉल्व करेंगे अपने आप आंसर आएगा।
तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर मिल सकती है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म इसलिए क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कूलम फोर्स, कूलम फोर्स, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने सिर्फ किसके ऊपर काम किया, मैग्नीट्यूड के ऊपर, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर काम किया, और हम बात करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड के साथ किसकी, डायरेक्शन की, तो वेक्टर में बात करनी पड़ेगी। वेक्टर में करने के लिए सपोज देयर आर टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू आर, मान लो दोनों पॉजिटिव हैं, इस क्यू टू ने क्यू वन को रिपेल किया, कितने फोर्स से रिपेल किया, एफ वन टू, वन टू का मतलब वन चार्ज पे फोर्स लगी, कितनी लगाई, टू ने लगाई। सिमिलरली इस क्यू वन ने क्यू टू को रिपेल किया, एफ टू वन, कैसे रीड करना है, टू के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, वन ने लगाई। ये दो वेक्टर क्लियर हो गए। अब ए का पोजीशन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से होता है, तो ओरिजिन से एक वेक्टर है कितना, आर वन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली बी का पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर टू वेक्टर, ठीक, जो पोजीशन बताता है, ये भी क्लियर है। अब अगर मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूं, या मैं चलो एफ वन टू वेक्टर की बात करता हूं, एफ वन टू की डायरेक्शन इस, तो नॉर्मली वेक्टर्स के अंदर ये सिखाया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर की एप्लीकेशन होती है। आई कैप लगा दो, जे कैप लगा दो, के कैप लगा दो, इससे ये पता लग जाता है कि कोई वेक्टर एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग है, या सेट किसके अलोंग है, पर इसमें मुझे कुछ पता नहीं लग रहा, तो मैंने अपना ही यूनिट वेक्टर एज्यूम कर लिया, कितना, आर वन टू, वन टू का मतलब कि एफ वन टू किस तरफ है, इस तरफ, वन टू का मतलब कि जहां फोर्स लग रही है वन टू, तो एफ वन टू वेक्टर, और आर वन टू का मतलब वन से लेके, मींस इस फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर इज आर वन टू कैप। वन टू कैप की वैल्यू क्या रहेगी, वन, ये सिर्फ ये बता रहा है कि एफ वन टू वेक्टर की डायरेक्शन यहां होगी, दैट्स इट। सिमिलरली एफ टू वन वेक्टर ये रहा, तो इमेजिन कर लो एक जो टू वन को रिप्रेजेंट करेगा इस टू वन कैप, टू वन के साथ टू वन, वन टू के साथ वन टू, दैट्स इट, ठीक है। यहां तक कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। अगर मैं ये कहूं कि मुझे एफ वन टू और एफ टू वन का मैग्नीट्यूड निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि कूलम लॉ ने मैग्नीट्यूड तो बताया, डायरेक्शन नहीं बताई, तो मैंने लिख दिया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। लेकिन मुझे इसमें क्या लिखना है, वेक्टर, तो एफ वन टू वेक्टर इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, वैल्यू तो आएगी आएगी, साथ में क्या आएगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन लिखने के लिए पीछे क्या लगेगा, यूनिट वेक्टर। अब 1 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं, 1 2 वाला, और 2 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 1 वाला, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा, तो डायरेक्शन पीछे लगने से, इसकी वैल्यू पीछे लगने से यह पता लग जाता है कि इसकी डायरेक्शन कहां है। ये स्टेप क्लियर है? तो हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन, तो ये एफ वन टू और एफ टू वन वेक्टर आ गया। अगर हम इन्हें डिवाइड कर लें, चलो अगर हम इन्हें डिवाइड कर लें, तो मैग्नीट्यूड पूरे का पूरा कैंसल, क्या बचा, बस यूनिट वेक्टर बच गए, राइट। और मुझे ये पता है कि आर वन टू और आर टू वन का मैग्नीट्यूड तो वन है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन इज ऑपोजिट, वैल्यू तो बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो अगर ये इनमें सिर्फ माइनस का फर्क है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, एफ वन टू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एफ टू वन वेक्टर, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि कूलम की फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, कि दो चार्जेस आपस में जो फोर्स लगाते हैं वो इक्वल तो होती होती है, साथ में ऑपोजिट भी होती है। तो अगर एनसीईआरटी के अंदर ये प्रूव करने को आ जाए, प्रूव दैट कूलम फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो पूरा डायग्राम के साथ आपने यहां तक लिखना है। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है यहां तक, ये प्रूव हो जाएगा, डेरिवेशन है ये, हाउ टू ड्राइव
कि ये प्रूव करना दैट कूलम फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, ये प्रूफ रजिस्टर में लिख के लाना है सारा कुछ जितना भी काम है, राइट, प्रैक्टिस करके। अब एक और प्रॉब्लम जो आती है जिसमें या तो कंपटीशन में आएगी, एनसीईआरटी दोनों में आ सकती है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है अगर आपने नहीं देखा ध्यान से तो, ठीक, बड़े फोकस तरीके से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको एफ वन टू वेक्टर लिख के दिखाया, 1/4 πε0 क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर के पीछे क्या लिखा, आर वन टू कैप, कोई डाउट इसमें, राइट। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डन, यहां तक क्लियर है? तो यहां पूरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया और इसका मैग्नीट्यूड, आर वन टू का जो मैग्नीट्यूड है इटसेल्फ वो आर ही है, क्योंकि आर वन टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है। मैं कैप की बात नहीं कर रहा, आर वन टू कैप नहीं कर रहा, आर वन टू वेक्टर की बात कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं, एनी केस आप इसको ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेप क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना, सेम डायग्राम है, यहां क्यू टू क्यू वन थे, आर वन वेक्टर आर टू वेक्टर है। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे कंप्लीट वेक्टर की बात कर रहा हूं जो इधर से इधर जाएगा, तो ऊपर के डायग्राम में इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई आर टू वन कैप, वो यूनिट वेक्टर था। पूरा कंप्लीट वेक्टर के लिए आर वन टू वेक्टर, आर वन टू क्यों लिया, क्योंकि अगर आपको याद हो ये वेक्टर क्या था, एफ ऑफ वन टू वेक्टर। ऊपर से देखो जरा ध्यान से इस डायग्राम में, ये रहा, ये क्या है, एफ ऑफ वन टू। तो इधर कौन सा यूनिट वेक्टर जाएगा, आर वन टू, और पूरा वेक्टर क्या बनेगा, आर वन टू वेक्टर। तो एक काम करो, पहले तो इस डायग्राम में जो नीचे वाला डायग्राम है इसके अंदर यहां पे लिखो एफ ऑफ वन टू वेक्टर, ड्रॉ करो एफ वन टू वेक्टर ऐसे, इस तरफ ड्रॉ करो एफ ऑफ वन टू वेक्टर ऐसे, एफ वन टू वेक्टर, राइट, ताकि आपको याद रहे एफ वन टू के साथ ही आर वन टू जा रहा है, वन टू वन टू याद रहेगा, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये इसकी क्लोजिंग साइड है, जो क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट होता है, तो आर वन वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, आर वन वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर प्लस आर वन टू वेक्टर। ये स्टेप क्लियर है, ट्राइंगल लॉ। और क्या मैं लिख सकता हूं, आर वन टू वेक्टर इज आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, ट्राइंगल लॉ। तो एक काम करते हैं, इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं क्या, आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, राइट। और आर वन टू वेक्टर का मॉड क्या होगा, आर, इसकी वैल्यू क्या होगी, आर। क्या स्टेप क्लियर है, यहां तक ध्यान से देखना है, स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जगह मैंने आर लिख लिया, तो आर इंटू आर क्या बन गया, आर का क्यूब। तो जिन लोगों को यहां कंफ्यूजन हो रही है वो प्लीज ध्यान से देख लें कि आर वन टू वेक्टर का मॉड इटसेल्फ क्या होगा, आर, आर, और आर वन टू वेक्टर का क्यूब और क्यूब एक ही बात है। मैं आर क्यूब लिखूं या इस वेक्टर का मॉड का क्यूब लिखूं, बात एक ही है। तो आप चेक कर सकते हो, आर लिख लो या फिर आर वन टू का क्यूब लिख लो, एक ही बात है। और यहां पर तो ठीक चल ही रहा है, यहां तक स्टेप क्लियर है। एक आखिरी स्टेप और देखना, आर वन टू वेक्टर का मतलब आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, एक ही बात है। मतलब मैं ये लिख लूं या ये लिख लूं, बात एक ही है, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, कोई डाउट इसमें? तो आप चेक कर सकते हो ये ऐसे सही है, आर का मतलब आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर का मॉड का क्यूब। ये स्टेप क्लियर है, ये कंप्लीट वेक्टर फॉर्म है कूलम लॉ का। अब बारी है याद करने की, इतनी लंबी कहानी थोड़ा लिखोगे न्यूमेरिकल में, अगर आ जाएगा तो याद ऐसे करना है, ध्यान से देखना। अगर ये वन टू है, वन टू, तो यहां आएगा वन माइनस टू, यहां भी वन माइनस टू का क्यूब। लेकिन अगर ये टू वन है, अगर ये टू वन है, आर टू और वन, टू और वन, पॉइंट क्लियर है? पहले कोई टाइम था जब एनसीईआरटी में बोर्ड वाले पूछते थे राइट कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उठा के बस बनाया वेक्टर आंसर, 90 नंबर। इस साल क्या आया, गिवन क्यू वन इज इक्वल टू वन, क्यू टू इज इक्वल टू टू कूलम, चार्ज का पोजीशन वेक्टर बनाना खुद, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पहले चार्ज के, दूसरे चार्ज के गिवन है, राइट कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन न्यूमेरिकल के साथ। ये डिफरेंस था पिछले साल के पेपर और इस साल के पेपर में, आउट ऑफ कोर्स पेपर नहीं था,
आप एप्लीकेशन देखो, जिसकी अंडरस्टैंडिंग है वही कर पाएगा, जो याद करके गया वो नहीं कर पाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना है, ये फॉर्मूला क्लियर है? अब ध्यान से देखना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, इधर Q1 का पोजीशन वेक्टर बनाने जा रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है, तो क्या बनेगा? 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप। ऐसे इसके लिए i कैप, 2j कैप और 3k कैप। मुझे F12 वेक्टर निकालना है, ये टर्म लिखी मैंने, फॉर्मूला लिख लिया F12 वेक्टर का, इसकी जगह 9 × 10⁻⁹, चार्ज Q1, Q2, 1 एंड 2 गिवन है। ध्यान आगे प्लीज, जहां R1 वेक्टर है, जहां R2 वेक्टर है, इस वेक्टर की जगह ये, इस वेक्टर की जगह ये माइनस कर लें, तो R1 वेक्टर R2 वेक्टर की जगह वैल्यू पुट ऊपर भी और नीचे भी, इसका होल क्यूब मॉड चल रहा है, ये स्टेप क्लियर है? R1 वेक्टर R2 वेक्टर को माइनस कर लो, i में से i, j में से j, k में से k, ये आएगा ऊपर भी और नीचे भी सेम, इसको तो ऐसे ही रहने दो। वेक्टर का फॉर्मूला प्लस 1 से, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर ऐसा गिवन है a वेक्टर, और आप a वेक्टर का मॉड निकालना चाहते हैं, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये देखो इसका मॉड 3 को छोड़ो, इसका मॉड क्या देगा आपको? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, और क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब ही लगा दो, तो ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? रेज टू पावर हाफ, तो हाफ इंटू 3 क्या होगा? 3/2। दिस इज द आंसर हाउ टू राइट कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है यहां तक? और सिमिलरली ये होमवर्क है आपका, कि अगर दो चार्जेस गिवन है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, आपको क्या करके लाना है घर से? F ऑफ 2, 1 वेक्टर। पॉइंट इज क्लियर? ठीक, यहां तक पूरा रजिस्टर कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद शीट के 5 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव शीट 1। अगली बार का न्यूमेरिकल ओरिएंटेड कोर्स है, थोड़ा जितना हमने काम किया उसके न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, सारा लिखना है, पूरा जो मैंने लिखा याद रखना है। एक मिनट के लिए ध्यान से सुनो प्रगुन, जितनी भी शीट मैंने आपको दी, मेरे पास, मेरे फोल्डर चेक करो बाहर, एक भी शीट नहीं अगले लेक्चर की। ये फॉर्मेट लास्ट ईयर से शुरू हुआ था, इस साल लास्ट ईयर मैंने पूरा बोर्ड के साथ चलाया, बहुत लंबा कोर्स चलता है बोर्ड के साथ, ये पहली शीट है, दूसरी शीट नहीं है। इसको बनाने में कल मेरे को कम से कम 3 घंटे लगे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस पे 3 से ज्यादा घंटे लगाओ। मैं लिख रहा हूं तो आप भी तो लिखोगे, ठीक? मैं अगली शीट लिख के लाऊंगा, आप इस शीट को लिख के लाना, तो बिना ऐसे मत आना, राइट? कौन बदतमीज है ये? क्या प्रॉब्लम है? आकाश, आकाश ठाकुर ही है। एक ऑब्जेक्टिव शीट दे रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 1। तो आपका होमवर्क ये है, आपको रजिस्टर पे जो भी काम किया वो लिख के लाना है, आपको वो 5 क्वेश्चन के बाद जो 3 क्वेश्चन है वो भी करके लाने हैं, एक ये क्वेश्चन करना है, और ये ऑब्जेक्टिव शीट नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, बेटर है अगर आप करके लाओगे, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी ऐसा होमवर्क करके लाओगे। तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 और जो शीट थी वो भी करके ला रहे हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं।